हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर बैठे बैठे ही हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। तो हम सबका स्वागत करते हैं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस गुरु पे, जिसपे कि क्लास 10 से लेकर आगे भी कुछ क्लासेस हैं, 12th पॉलिटेक्निक और आगे भी कुछ जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग को भी उसको शेयर करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, एक नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था पिछले क्लास में, क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें लॉन्ग आंसर टाइप में इससे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपने ये फिगर अभी इस बोर्ड में जो बना हुआ है, आप इस फिगर को देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक मोटर आखिर होता क्या है, सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का डिफिनेशन क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल मोटर है, यानी वो अपने रोटेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लेता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो क्या करता है, एक मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करता है, जिससे कि हम लोग बहुत सारे चीज को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं, रोटेट करने के लिए यूज करते हैं, ऑपरेट नहीं रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि घर में आपके घर में होगा पंपिंग सेट होगा, तो उसका पंप चलाने के लिए या और भी कुछ बड़े बड़े टर्बाइन चलाने के लिए भी हम लोग मोटर का यूज करते हैं। इसका भी आगे चल के बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसका कंस्ट्रक्शन से देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इस फिगर को जरूर पहले आप अपने कॉपी पे, अपने नोट्स में इसको ड्रॉ कर लीजिए। सबसे बेसिक प्रिंसिपल, सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं। ये दो हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है ना, परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट है। और हम लोग ये पहले प्रिंसिपल क्या है इसका, कि सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है, इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका कुछ प्रिंसिपल है जिसको कि हमने अभी बोर्ड पर लिखा है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट इज पास्ड थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट्स द इट कंटीन्यूअसली। मींस क्या है कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ठीक है, उसको किसी फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में जब आप उसको करंट इससे पास करेंगे, यानी इस एक आपका क्या है, ये मैग्नेटिक मैग्नेट है दोनों, और इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, एक तरफ इन पोल है दूसरी तरफ इस पोल है, यानी इन टू इस ये मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और जब इस क्वाइल में, और ये क्वाइल किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का क्वाइल है जो कि इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना। हालांकि कंस्ट्रक्शन जब हम लोग देखेंगे, कुछ चीप क्वालिटी का भी जो मोटर होता है जिसका कि वाइंडिंग एल्युमिनियम वायर से भी किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, ज़्यादा लोड पड़ने पर वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है, इसका कॉइल जल जाता है। इसीलिए जल जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर, उसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर डेवलप होता है, जब हाई करंट पास करेगा उससे, जब आप लोड बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी तरीके से वो कंज्यूम करेगा और उसका कॉइल जल जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, दूसरा कि उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी भी कुछ कम होती है, जैसा कि मैं हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो खैर छोड़िए, वो सब तो बात की चीज है, हम लोग आज इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये कॉपर का क्वाइल है, ठीक है ना, जो कि इंसुलेटेड है। ठीक है, इंसुलेटेड इसीलिए होता है क्योंकि वाइंडिंग किया रहता है, वाइंडिंग जब इंसुलेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए इसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हमने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पास करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसी फोर्स के कारण ये जो पूरा क्वाइल है ये घूमने लगता है। ठीक है, अब एक चीज और जब समझे कि ये जो क्वाइल है ये किस चीज के ऊपर बाइंडिंग रहता है, तो ये इसको इसको पूरा बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि आर्मेचर के ऊपर इसका
फाइल वाइंड किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है, हॉर्स शू टाइप का परमानेंट मैग्नेट है। ये जो आपको ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉपर का कॉइल है, जिससे कि हम लोग करंट पास कराएंगे तो इसमें फिर फील्ड डेवलप होगा, फील्ड डेवलप होगा तो फिर ये रोटेट करेगा। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप का है। हॉर्स शू मैग्नेट है, ये जो ए बी सी डी जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक कॉपर का कॉइल है, ठीक है। ये क्या है, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को ये क्या करता है, इस कॉइल में भेजता है, ठीक है ना। अब ये जो कम्यूटेटर है ये किस चीज से कनेक्टेड होता है, इसका शाफ्ट है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये शाफ्ट है, ठीक है ना। इसको ऐसे शाफ्ट पे ये से कनेक्टेड रहता है। ये टोटल जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है, असेंबली है जो कॉइल का, ये पूरा एक शाफ्ट के ऊपर फिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। और इसी शाफ्ट से ये कम्यूटेटर भी कनेक्टेड रहता है। ये कम्यूटेटर क्या है, देखिए इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। स्प्लिट रिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीट रिंग नहीं है। ये देखिए ये जो ये क्या होता है, सर्किल सर्कुलर रिंग, ये पूरा होता है, ये पूरा सर्कुलर रिंग नहीं है, ये आधा से ये ब्रेक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, यानी दो भाग में टूटा हुआ रिंग है, ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। और इसी से क्या होता है, एक कार्बन ब्रशेस होता है। देखिए यहाँ पे कार्बन ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस ब्रशेस इसी से कनेक्टेड होता है, यानी इससे क्या होता है, एक कार्बन ब्रश इस पे और इस पे दो पोल है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, इसी से ये क्या होता है, सोल्डर्ड नहीं होता है, इसके ऊपर पूरा कनेक्टेड नहीं होता है, बस इसको टच करता रहता है। ये जो कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर में कार्बन ब्रश क्या होता है, बस टच करते रहता है, ताकि इस बैटरी से जो सप्लाई जा रहा है वो सप्लाई उसके अंदर जाता रहे। अब इसीलिए इसको कार्बन ब्रश यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि ये जो ब्रश, ये जो केबल है, केबल अगर डायरेक्ट कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जब ये पूरा ये जो शाफ्ट अगर मूव होगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो वायर जाएगा वो क्या होगा, वायर भी इसके साथ पूरा रोटेट कर जाएगा, यानी इसके साथ लपेटा जाएगा। तो बोलते हैं लपेटा जाना, लपेटा जाएगा तो क्या होगा, ये वायर टूट जाएगा, ये तो टूटना नहीं चाहिए ना, टूट जाएगा तो फिर मोटर कैसे चलेगा, एक ही बार में टूट के आधा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर ये कार्बन ब्रश दोनों टर्मिनल पे अलग अलग लगा रहता है, और ये सिर्फ ऐसे टच करता रहता है। ये जैसे ये कम्यूटेटर है ना, इस तरह का सर्कुलर रिंग है जो हाफ सर्कल का, इस तरह से इसके ऊपर बस इस तरह से टच करता रहता है, ताकि इसके ऊपर बस सप्लाई जाता रहे, ठीक है। ये जो आप कार्बन ब्रश अपने घर में जो पंखा लगा रहता है, पंखा के ऊपर भी, क्योंकि पंखा के अंदर भी एक मोटर है, उसके ऊपर भी ये कार्बन ब्रश आपको मिलेगा देखने के लिए, बस टच करता रहता है इसके सप्लाई जाने के लिए, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, एक हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये बैटरी जो कि सप्लाई के लिए यूज किया गया है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट है ये, रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी है। तो ये टोटल जो हमने बताया, ये टोटल अभी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये जो पूरा है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अब इसके जो है हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें कि ये वर्क किस टाइप से करता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, ताकि ये चीज़ जो है बुक पढ़ने से, अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल भी बंद है, आपके कोचिंग सेंटर भी बंद है, तो हमारे इस माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जो इससे आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, सप्लाई लाइन है, कंस्ट्रक्शन हमने समझ लिया, ए बी सी डी क्या है, एक कॉपर का कॉइल है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये जो है शाफ्ट है, जो कि पूरा ये बीच से शाफ्ट के ऊपर ही ये पूरा कॉइल वाइंडिंग किया रहता है। पी एंड क्यू आर द कार्बन ब्रश है, जो कि कम्यूटेटर के से फिक्स रहता है, फिक्स नहीं रहता, टच करता रहता है। कम्यूटेटर क्या है,
जो कि जिसको बोलते क्या स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। इसको यहाँ पर देख लीजिए, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है ना, स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं, जो कि उसी क्वाइल के साथ रोटेट करता रहता है। और ये कहाँ फिक्स रहता है, इसी शाफ्ट के ऊपर इसको फिक्स कर दिया जाता है। मतलब ये समझिए कि क्या है, ये शाफ्ट है, इसी के ऊपर ये जो कम्यूटेटर है इसको इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है, ताकि ये जैसे जैसे घूमेगा उसी तरह से ये भी घूमता रहेगा। और इसके ऊपर एक क्या है, कार्बन बस ब्रश, बस इसी के ऊपर टच करता रहता है ताकि इसको इलेक्ट्रिक का सप्लाई जाता रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, सप्लाई से शुरू करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ यहाँ ये बैटरी का सप्लाई लाइन है, हम लोग ने स्विच, ये स्विच का सिंबल है, स्विच ऑन कर दिया, सप्लाई लाइन जाने लगा। पी क्या है, कार्बन ब्रश है, पी से इस कम्यूटेटर के ऊपर गया, ठीक है। कम्यूटेटर से स्प्लिट रिंग जो एक्स एंड वाई आर टू स्प्लिट रिंग्स, ठीक है ना, दो कम्यूटेटर लगा हुआ इसके ऊपर एक्स एंड वाई, किसी तरीके से ये जो है ना, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। सप्लाई जब गया इसमें, तो इसका जो एक हाफ ए और बी और क्या सी एंड डी, दोनों इस मैग्नेटिक मैग्नेट के बीच में किस तरह से रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर इस टाइप से रहेगा ताकि इस मैग्नेट का मैक्सिमम फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको कट करे, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, जैसे हम लोग गॉड्स को मैग्नेट देखते हैं इस तरह से, ये एन है और ये इधर एस है, तो क्या करेगा, इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके ऊपर जाएगा, लगेगा, और इसी के बीच में क्या है, एक हमने क्या किया है इस तरह से एक रफ डायग्राम हमने आपको बना के बता दिया है, और ये ठीक है ना, इसी के ऊपर क्या है, एक कम्यूटेटर इधर इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, इससे क्या हो गया, एक कार्बन ब्रश पी एंड ये क्यू लग गया यहाँ पे, इससे सप्लाई लाइन जाने का, ठीक है। अब इसको ये जरा समझे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर दिखाने लगे तो बहुत ही थोड़ा सा गंदा टाइप का दिखने लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग सा फिगर बना दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, और इसी को आप मानिए, यहाँ पे क्या है, ए है, ये बी है, सी है और ये डी, ठीक है। अब करेंट जब इसमें पास किया तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या हो रहा, फोर्स इसमें नीचे की तरफ रहेगा, जब करेंट ए से बी की तरफ जाएगा, जब करंट ए से बी की तरफ जाएगा तो फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने और करंट तो उधर जा ही रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में जब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी ऊपर से इसे ये आया, ठीक है, तो क्या करेगा, इसको इधर की तरफ, यानी आपके एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब मींस लेफ्ट टू राइट की तरफ इसको मूव कराएगा, ठीक है। फोर्स क्या क्या करेगा, जब फोर्स ऊपर से लगाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ धक्का देगा। उसी तरह से जब करंट सी और डी के साथ आ जाएगा, जब सी और डी के लाइन में आ जाएगा, तो क्या होगा, उसी तरीके से फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो सामने कट करेगा ही। तो इसमें क्या होगा, ये करंट जो इसका जो फोर्स है, फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा, तो क्या होगा, एक तरफ ये जो फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इस टाइप से फिर ये इस टाइप में घूम जाएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ए क्या होगा, जो ए भी है वो कहाँ चला जाएगा, घूम के, क्योंकि ये फोर्स कहाँ से लगा, ऊपर से लगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे, ये यहाँ पे इसलिए दिखाया गया क्योंकि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस मैग्नेटिक मैग्नेट से लाइन कट कर रहा है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट कर रहा है इनसे एस की तरफ, ठीक है। तो ये क्या करो, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये क्या होगा, आधा ये घूम के इस तरह से चला जाएगा, हाफ हाफ साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ भी देखते हैं कि
सिनुसॉइडल ग्राफ बनता है, आपको पता है एसी करंट में, ये क्या होगा, एसी मोटर, ठीक है ना। तो सिनुसॉइडल ग्राफ बनेगा जब इसका ग्राफ हम लोग निकालेंगे ना, तो इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जब ये ए और बी इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ए ए और ये बी यहाँ आ गया, उसके बाद ये सी और ये डी यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जब ये इस तरह से घुमा, तो ये क्या हो गया, ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का पोलैरिटी भी अब चेंज हो गया, मींस जो वाई था यहाँ पे वो वाई फिर अब यहाँ आ गया और एक्स फिर अब यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो पोलैरिटी क्या हो गया, जब जब वाई था नेगेटिव पोलैरिटी पे और एक्स था पॉजिटिव पोलैरिटी पे, अब ये क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया, क्योंकि अब ये जो कॉइल था, ये कॉइल मूव कर गया इस डायरेक्शन में, हाफ साइकिल, ठीक है ना, हाफ साइकिल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कम्यूटेटर भी इसके इधर आ गया और ये फिर इधर आ गया, यानी ये अपना पोजिशन चेंज कर दिया, एक्स वाला चला गया वाई की तरफ और वाई वाला एक्स की तरफ आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेम फिर कंडीशन हो गया, सी और डी इधर आ गया, ए और बी इधर आ गया। तो क्या होगा, जब करंट, जब ये फोर्स जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एन से एस की तरफ तो हमेशा जा रहा है, तो सेम जो हमने ए और बी के डायरेक्शन में जब देखा था, वही फोर्स फिर से इस धर की तरफ लगने लगा, यानी फिर से नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है ना। तो फिर से ये क्या करेगा, हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, यानी फिर से ये जो जो सी और डी अब इधर की तरफ आया था, अब वो फिर सी और डी इधर की तरफ चला जाएगा और ए और बी फिर से इधर की तरफ चला आएगा, तो ये क्या होगा, फिर से एक हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 180 डिग्री इधर ले लिया और फिर से ये नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये फिर 180 डिग्री का फल इधर बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से ये टाइम के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ते जाता है, वोल्टेज वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में ये बढ़ते जाता है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और उसी तरीके से ये फिर कंटिन्यू घूमता रहेगा। पोलैरिटी हमेशा चेंज करेगा, फोर्स उसी तरीके से डाउनवर्ड लाएगा, इस पे अपवर्ड लाएगा इस साइड से, तो क्या होगा, घुमा देगा, ठीक है ना। अगर ऐसे घूम जाएगा तो क्या होगा, फिर ये मोटर डायरेक्ट सप्लाई तो है ही, कंटिन्यूअसली वो घूमता चला जाएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से अभी हम समराइज करते रहे इसको, कंस्ट्रक्शन भी और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी। तो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, फिगर को सबसे पहले समझ लेना है, ठीक है। दो हॉर्स टाइप का मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट एन और एस की तरफ, एक क्वायल है कॉपर का, करंट कैरिंग कंडक्टर आप इसको मानिए, करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से, क्योंकि लाइंस जो जब इसके ऊपर करंट पास करें तो वो एक दूसरे से टच नहीं करें और शॉर्ट सर्किट नहीं हो, इसीलिए उसके ऊपर एक इंसुलेशन किया जाता है, ठीक है ना। एक स्प्लिट रिंग है जिसको कि कम्यूटेटर भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीट रिंग नहीं है, बीच से ये टूटा हुआ रहता है, आधा आधा रहता है, हाफ हाफ सर्किल का रहता है। एक्स और वाई क्या है, ये स्प्लिट रिंग है, ठीक है। पी एंड क्यू क्या है, हॉर्स, ये कार्बन ब्रशेज है, कार्बन ब्रशेज इसीलिए रहता है ताकि ये कर घिसता नहीं है और इसका कंटिन्यूटी करंट का बना के रखता है, ठीक है। तो इससे अटैच नहीं रहता, इस कम्यूटेटर से अटैच नहीं रहता है, बस इसके ऊपर इस तरह से टच किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये शाफ्ट है, ठीक है। ये जो दिखाया गया है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का पहले, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल देखिए, एक परमानेंट मैग्नेट आपने देख लिया, पावर सप्लाई है, स्विच है और ये दोनों कार्बन ब्रशेस है, ठीक है, कार्बन ब्रशेस जो कि फिक्स किया हुआ है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल में देख लेते हैं, सबसे पहला तो प्रिंसिपल क्या है कि मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड करंट पासेस थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट्स इट
कंटिन्यूअसली, तब कौन सा फोर्स, वही मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है। तो जैसे ही इसको सप्लाई देंगे, ये क्या होगा, कार्बन ब्रशेस के थ्रू ये कम्यूटेटर से जाएगा, कम्यूटेटर में ही इसका जो केबल होता है, जो वायर होता है, इसमें कम्यूटेटर में ही सोल्डर किया जाता है, इसको कनेक्ट किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इसमें ये नहीं कि ऐसे ही बस छोड़ दिया, इसको फिक्स कर दिया जाता है सोल्डरिंग करके, ताकि ये वायर कभी इधर उधर टूटे नहीं या हिले नहीं, ठीक है। जब करंट इससे पास करते हुए ए बी सी डी और ये फिर से क्यू के से होते हुए इस पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा, तो क्या होगा, जब करंट ए से बी की तरफ जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, और सबसे पहला तो ये है कि इसको परपेंडिकुलरली इसको रखते हैं, ताकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल को कट करें, ठीक है ना। जैसे कि हमने इसमें दिखाया, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको कट करेगा, तभी जाके इसमें मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, फोर्स नीचे की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और जब ये करंट पास करते हुए बी से सी और फिर सी से डी की तरफ आएगा, तो क्या होगा, करंट इधर की तरफ पास करेगा, फोर्स उल्टा जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इसी का रिवर्स हो गया, फोर्स ऊपर की तरफ, करंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सामने की तरफ। तो क्या होगा, फोर्स इधर से लेगा तो ये क्या होगा, घूमेगा, आधा इसे घूम के घूम जाएगा, तो ए और बी जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा डी और सी के जगह पे, और डी और सी घूम कर कहाँ चला जाएगा, ए और बी की जगह पे। तो ये हाफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब इस ग्राफ के माध्यम से देख लीजिए, जो ये इसको बोलते हैं साइनसॉइडल ग्राफ, ठीक है ना, साइन वेव ग्राफ जिसको बोलते हैं, साइन वेव ग्राफ। अब जब इसका आउटपुट निकालिएगा ना, तो इसका इसी तरह से निकलेगा। जब ये हाफ साइकिल जब इधर कंप्लीट कर लिया, तो जिस तरह से ए और बी पे शुरुआत में फोर्स लग रहा था, उसी तरह से सी और डी में लगने लगेगा, जब ये पूरा हाफ इधर घूम के चलाएगा, ठीक है, चलाया तो जो सी और डी की तरफ लगेगा, तो फोर्स भी फिर से उसी तरह से नीचे की तरफ लगा, और इसको, और ये जब ए और बी जब इधर रहेगा, तो उसको उसके ऊपर फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, तो क्या होगा, फिर से इसको हाफ एक साइकिल घुमा देगा। तो यही जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि इसके ऊपर सप्लाई जाता रहेगा, और ये पूरा मोटर ये घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो भी डिवाइस अब इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा जिसको कि घुमाना है, जैसे कि पंप को घुमाना है या और भी कोई चीज को जिससे मोटर को घुमाना होता है, तो बस इसी के शाफ्ट से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और फिर जैसा जो इसका कैपेसिटी के हिसाब से उसके ऊपर लोड देकर उसको घुमाने का काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने मोटर लिया है, इसके बारे में आपने जो भी डाउट होगा आपका, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। फिगर जरूर समझ लीजिए, एग्जाम में फिगर सबसे पहले बनाना है, फिगर को पूरा मार्क कर देना है कौन सी चीज क्या है, और इसके बारे में डिटेल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप नहीं समझ में आएगा बार बार आप इसको देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, लिख दीजिएगा, उसका एक नया वीडियो फिर से बनाएंगे और आपकी सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको बहुत समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, ताकि पूरा का पूरा जो मटेरियल है, पूरा जो हमने मैंने से आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको पूरा अच्छा तरीके से मिल सके। हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो डीसी मोटर है उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, या डीसी मोटर भी रहेगा, फिर जनरेटर भी रहेगा, इसके बाद हम लोग जनरेटर से भी रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें कोई पैसा लगता नहीं, हमारा जो गुरु दक्षिणा है वही है, ठीक है, थैंक यू।